प्रियंका गांधी को सोनभद्र जाने से रोकना तथा गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार करना लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है। ऐसा प्रतीत होता है कि देश अघोषित आपातकाल के दौर से गुजर रहा है। ये बात प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कही। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार भाजपा शासित राज्य में भूमाफिया गरीब दलित और आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा करने के लिए उनकी सामूहिक हत्याएं करके दहशत का माहौल बन रहा है। प्रदेश में जिस तरह से दलित आदिवासियों की जमीन हड़पने के लिए वहां के भूमाफिया ने सामूहिक हत्याओं को अंजाम दिया, उससे चीज स्पष्ट हो जाती है कि भाजपा शासित राज्यों में कानून का शासन नहीं अपितु गुंडा राज स्थापित है। और जिस तरीके से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को, जो पीड़ित परिवार थे, प्रभावित परिवार थे, हादसे का शिकार परिवार थे, उनसे मिलने जाने, उनके आंसू पहुंचने से जाने से रोका गया, गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया, वो इस चीज को प्रमाणित करता है कि भारतीय जनता पार्टी की सोच लोकतंत्र में नहीं है, हिटलर शाही में है। और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां ऐसा प्रतीत होता है कि बाहुबलियों को, भूमाफिया को और जो गुंडा तत्व है उनको भारतीय जनता पार्टी और वहां की सरकार का संरक्षण। जो घटनाक्रम आज देश के अंदर हो रहे हैं, चाहे वो बिहार में है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में है, वो स्तब्ध करने वाले हैं और हैरान करने वाले हैं। और अगर इसी तरह से चलता रहा तो देश के अंदर जो दलित लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, उनके लिए जीना जो है वो दूभर हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। और लोकतंत्र में जिस तरीके से प्रियंका गांधी जी के साथ व्यवहार किया गया, जिस तरीके से उनको रोक के रखा गया और जहां जिस गेस्ट हाउस में उनको रखा गया वहां का बिजली पानी काट दिया गया, ये ना केवल अलोकतांत्रिक है अपितु अमानवीय भी है। एक महिला के साथ, एक महिला नेत्री के साथ, जिसके परिवार की एक शानदार पृष्ठभूमि है, कुर्बानियों की और बलिदानों की पृष्ठभूमि है, उस महिला के साथ इस तरीके का व्यवहार, उस महिला नेत्री के साथ इस तरह का जो व्यवहार उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है कांग्रेस पार्टी के लिए।